अगर चटपटा स्नैक खाने का मन करे और टाइम कम हो तो झटपट बना ले ये स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्टी आलू बोंदा या बटाटा बड़ा। इसके बाहर का क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर भरी मसालेदार स्टफिंग्स ये आलू बोंदा को बनाया है बहुत ही मजेदार। तो चलिए ये बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले हम बोंडा के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में हम एक टीस्पून जीरा डाल देंगे, उसी के साथ एक टीस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे साबुत सौंफ और इसमें ऐड करेंगे 3 साबुत सूखे लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। तो इन सारे साबुत मसाले को हम 2 मिनट हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें हल्का सा भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो इन मसालों को ओवर रोस्ट ना करें, बस हल्का सा इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। तो अभी गैस बंद करके इन मसालों को एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेते हैं। अब हम इसे हल्का सा ठंडा करके इन मसालों को दरदरा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्पेशल मसाला आलू बोंडा का स्टफिंग्स को बनाएगा बहुत ही टेस्टी, एकदम स्ट्रीट जैसी। यहाँ मैंने 4 आलू को कुकर में 5 सीटी देकर उबाल लिया है और आलू को छील लिया है। इसे हाथों से हल्का सा मैश कर लेते हैं। आलू यहाँ पे गीली गीली नहीं होना चाहिए। अब चलिए बोंडा का स्टफिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा ना, हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरा को चटकने देंगे। उसी के साथ 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। हल्का सा अजवाइन ऐड कर सकते हैं बढ़िया फ्लेवर के लिए। आप इसमें 1/2 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को मैंने एक साथ पेस्ट कर लिया है। मसालों को 1 मिनट भून लेंगे। 1 मिनट बाद आप इसमें थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। उसी के साथ नमक ऐड कर देना है स्वाद के अनुसार और मसालों को 1-2 बार बस मिला के इसमें डाल देंगे मैश किए हुए आलू को। आप देख सकते हैं आलू में छोटे बड़े चंक्स हैं। आप इसे ग्रेट मत कीजिए, ऐसे हाथों से तोड़ लीजिए। आलू के चंक्स होने की वजह से ये बढ़िया भुनेगा और आलू से बढ़िया टेस्ट निकल कर आएगा। आलू के हल्के हल्के छोटे छोटे एक भी अगर दाने मुंह में आएंगे ना तो बढ़िया लगेगा। 2 मिनट आलू को मसाले के साथ भून के अब इसमें डाल देंगे वो जो स्पेशल भुनी हुई दरदरा मसाला हमने तैयार किया है ना उसे। उसी के साथ हल्का सा गरम मसाला, चटपटा टेस्ट के लिए 1 टीस्पून फ्रेश अमचूर का पाउडर डाल देना। अच्छा, यहाँ पे गरम मसाला पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। और ऐड करना है थोड़ा सा कसूरी मेथी और आलू को हमें मसाले के साथ 2-3 मिनट भून लेना है। आलू को मसाले के साथ भूनने के साथ साथ ये स्टफिंग्स बहुत ही टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। हल्का सा चीनी इसमें डालना ना भूले, ये बाकी सारे मसाले के स्वाद को बैलेंस करेगी। एकदम लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के ये बढ़िया सा स्टफिंग्स को ठंडा करना है। ये देखिए आलू बोंडा का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो इससे बॉल्स बनाना है। तो बॉल्स का साइज आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इसे अगर छोटे बनाएंगे ना तो बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं बॉल्स हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैंने मीडियम साइज रखा है, आप चाहे तो इसे छोटे भी रख सकते हैं। सारे बॉल्स हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप देख लेते हैं बोंडा का बैटर कैसे बनाते हैं। बैटर को मैंने 20 मिनट रेस्ट दिया था। बोंडा का बैटर जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे हम 1 कप बेसन ले लेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहे तो भी चलेगा। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या स्वाद का अनुसार नमक डालें। और 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर को जितना अच्छे तरीके से फेंटेंगे ना, बोंडा आपके उतना ही बढ़िया और क्रिस्पी बनेगी, एकदम कुरकुरे बनेगी। तो एक साथ ज्यादा पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह से हाथ से बेसन को फेंट लेंगे। तो बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं बोंडा के लिए गाढ़ा बैटर तैयार है।
आप चाहे तो इस पे गरम तेल या एक चुटकी खाने का सोडा ऐड कर सकते हैं। तो बोंडा को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। तेल में बस एक चुटकी बैटर डाल देंगे और आप देख सकते हैं ये जो बैटर है वो धीरे धीरे तैर कर ऊपर आ रहा है। इसका मतलब बोंडा के लिए तेल हमारा एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। इसे मीडियम गरम कर लेना है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा तेल को गरम ना करें। तो आप एक बॉल लेकर बैटर में डिप कर देना है और उंगलियों की मदद से ये डिप किए हुए बॉल को निकालिए और इस तरह से तेल में छोड़ दे। ये देखिए, इसीलिए बैटर के बोल को आप कढ़ाई के एकदम पास रखिए और ये प्रोसेस को आप जितना हो सके फास्ट करें, नहीं तो आधा तेल में गिर जाएगा और आधा आपके हाथ में रह जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम ये बोंडा को गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई न रखें, इससे बहुत जल्दी बोंडा का कलर ब्राउन हो जाएगा और लो फ्लेम पे ये ज्यादा तेल पी जाएगी, तो मीडियम फ्लेम सही रहेगा। बोंडा का बैच तेल में छोड़ने के कुछ सेकंड्स बाद ही इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई करें और 6-7 मिनट बाद आप देख सकते हैं बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बोंडा को हम निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया फ्राई हुआ है ये बोंडा हमारा। तो इस तरह से बोंडा का दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसके जो बेसन का बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा ना बने, ज़्यादा तेल ना पिए और अपने शेप में भी रहे। ये देखिए बोंडा का टेक्सचर कितना बेहतरीन आए हैं। बोंडा को आज हम फ्राइड मिर्ची के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मिर्ची के साथ तो एकदम मस्त लगेगा। अंदर से इसके कवरिंग को देखिए, अंदर मोटे भी नहीं है, पतली भी नहीं है, एकदम बढ़िया टेक्सचर है और अपने शेप में भी है। तो आप इसे ट्राई करना एकदम ना भूलें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।